नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का किया दौरा। इन्वेस्ट पंजाब समिट के तहत उद्योग स्थापित करने का दिया न्योता। चंडीगढ़ की जिला अदालत में बम की आशंका से मचा हड़कंप, पुलिस ने खाली करवाया परिसर। निजी बैंक में लाखों रुपयों की लूट के मामले को पुलिस ने किया हल, चार लोगों को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए मशहूर उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को औद्योगिक विकास के सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए पहले ही कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लुधियाना में टाटा स्टील कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगी। आपको बता दें कि अगले महीने पंजाब के मोहाली में इन्वेस्ट पंजाब समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सीएम भगवंत मान उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई दौरे पर हैं। हम चाहते हैं कि लेबर को फैक्ट्री के पास ना आना पड़े, फैक्ट्री लेबर के पास चली जाए तो वो अपने घर पे रहेंगे, अदरवाइज उनको फ्लैट खरीदने पड़ेंगे, बच्चे स्कूलों में दाखला दिलवाना पड़ेगा, उनकी सेविंग सारी इसी चक्कर में चल रही है। हम चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। बहुत सी इंडस्ट्री जो है रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मुझे उम्मीद है 23-24 फरवरी को मुंबई से बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और MOU। सर, आप पंजाब से जब निकले थे, जब आप पंजाब से निकले थे, कितना आपका टारगेट था? हालांकि सर सामने देखिए, कितना आपका टारगेट? टारगेट तो फिर अनलिमिटेड है, टारगेट की कोई गई नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ या मैं 50,000, जितने भी आ जाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, हम उनको माहौल देंगे। जैसे CLU है, आपने जमीन खरीद ली, लेकिन जमीन पंजाब की 96% तो जमीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको CLU देना पड़ेगा कि आपने इस पर एग्रीकल्चर नहीं, इस पर फैक्ट्री लगानी है। वो CLU बड़ी दिक्कत है, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, विवाद हो जाती है, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, फिर एनवायरनमेंट का, आपको बहुत से NOC लेने पड़ते हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ जमीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदा, इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है, उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर लेंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दिया, यू आर गुड टू गो, अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर है। हाउसिंग के लिए हम कोई और कलर दे देंगे, रेड कलर दे देंगे, इसका मतलब उस आदमी ने हाउसिंग के लिए वो जमीन खरीदी है, उसका मिसयूज ना हो। एग्रीकल्चर के लिए और कोडिंग दे देंगे, तो ये कलर कोडिंग वाला यूनिक आइडिया है। इससे हमें भी पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन सी हिस्ट्री है। ये नहीं होगा कि हाउसिंग के लिए खरीदी और इंडस्ट्री बना ली, क्योंकि उसके पास जो स्टैम्प पेपर है वो किसी और कलर का है, इंडस्ट्री वाला किसी और कलर। सर, ये करप्शन में कोई फर्म कमिटमेंट्स किसी ने कुछ बताए हैं क्या ड्यूरिंग योर टाटा स्टील इज कमिंग इन लुधियाना आफ्टर जमशेदपुर, बिगेस्ट प्लांट इन इंडिया। चंडीगढ़ की जिला अदालत में बम होने की आशंका जताई गई, जिसके चलते सुरक्षा बलों की ओर से कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और सर्च अभियान भी चलाया गया। गौरतलब रहे कि चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम होने की एक व्यक्ति की ओर से अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी,
जिसके बाद जांच शुरू की गई। तो वहीं इस कॉल के मद्देनज़र जजों, वकीलों, क्लेरिकल स्टाफ और लोगों को कम से कम 30 अदालती कमरे छोड़ने के लिए कहा गया था और तलाशी मुहिम जारी की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ साथ बम निरोधक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। तो हमने सेशन जज को बोला, सेशन जज के साथ सारी टीम और हमारे एडवोकेट कोर्ट कम्प्लेक्स को खाली करके बाहर गए। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तीनों जगह का इन्फॉर्मेशन आई है, पंचकूला कोर्ट की भी है, हाई कोर्ट की भी है और डीसीए चंडीगढ़ की भी है, तीनों की। नहीं, हमें नहीं बोला गया, हमें पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि हमारे को न्यूज आई है, पुलिस के पास न्यूज आई है, हमारे पास नहीं। तो क्या बोला पुलिस को? पुलिस ने हमें बताया 12 बजे कॉल करके कि प्रधान जी आपके यहाँ पर बॉम्ब की हमें पता लगा, तो काइंडली कोर्ट को खाली किया जाए। हमने उसी तरह पुलिस के एक्शन को देखते हुए सारे कोर्ट कम्प्लेक्स को खाली करवा लिया। अभी वो डॉग्स कोर्ट के लेके अंदर गए हुए, देखते हैं क्या निकलता है। वो फेक कॉल का तो नहीं मैं कह सकता, पर जिस हिसाब से पुलिस की सीरियसनेस है अभी ज़्यादा है, पुलिस आई हुई है या डॉग्स कोर्ट काफ़ी है, सारा कोर्ट खाली है, सारे जजेस बाहर हैं, सारे वकील बाहर हैं। तो हाँ, मेरी अपील भी है, अगर कोई वकील अंदर है या वकील साथी है, कोई भी और इंसान अंदर है तो कृपया करके बाहर आ जाए, तो अंदर ना रहें। तो इस सीरियसनेस को देखते हुए मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ फेक कॉल है या कुछ है। संगरूर के BSNL पार्क के नज़दीक एक निजी जीवन बैंक में बीती 18 जनवरी को बैंक के कर्मचारी से 28,03,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें बैंक के नज़दीकी कुछ कार सवार बैंक कर्मचारी के मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर पैसे छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बैंक के मौजूदा कर्मचारी और एक पुराने कर्मचारी समेत संगरूर के रटोला गांव का मुखिया शामिल है। इस वारदात को अंजाम कुल 7 लोगों ने दिया। पुलिस ने संगरूर के गांव के मुखिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर 1,14,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार वारदात में आरोपी संभल गाँव के सरपंच का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ जब सरपंच गगनदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें वारदात के बारे में पता ही नहीं था, उन्हें आरोपी गाड़ी समेत साथ ले गए थे। वारदात होने के बाद ही पता चला कि कितना बड़ा कांड हो गया, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिलहाल पुलिस इस लूट की वारदात की गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने में लगी हुई है और गहराई से जांच की जा रही है और बाकी रहते 3 आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इंप्लॉई दे नाल एक फिगो गड्डी तो टक्कर मार के ते मुलाजिम नूं सट्टा मार के खो 2,83,000 दी सिटी संगरूर चो किट गई सी, जिदे विच सिटी संगरूर पुलिस दी टीम ने ते नाल CIA दी टीम ने काफ़ी टैक्निकल लीड्स ते बेसिस ते इन्वेस्टिगेट करते हुए जिहड़ा हैगा इस गिरोह दे 4 मैंबरस नूं गिरफ्तार किया हैगा। एक गड्डी फिगो ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 1,14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ 'ਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਇੰਪਲੋਈ ਜਗਸੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਰਟੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਮਰ, ਯੋਗੇਸ਼, ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਨ 7 ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਗਨਦੀਪ, ਜਗਸੀਰ, ਸਿਮਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारी पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से मनाने के लिए लगातार प्रबंधों में लगे हुए हैं। वहीं पठानकोट शहर में भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर आखिरी रिहर्सल का जायजा लिया गया। इस मौके पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने खेल मैदान में एकत्रित होकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए जा रहे प्रोग्राम का जायजा लिया। इस प्रोग्राम की शुरुआत में पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने मंच पर बतौर मुख्य मेहमान हाजिर सहायक कमिश्नर जनरल मेजर डॉक्टर सुमित मुद को सलामी दी, जिसके बाद महिला पुलिस टुकड़ी, NCC कैडेट, स्कूल के बच्चों और आर्मी बैंड ने भाग लिया।
इस प्रोग्राम में आगे चल रहे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने पीटी परेड के माध्यम से तंदुरुस्त रहने और स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया, जिसके बाद अलग अलग स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति और पंजाबी विरसे को दर्शाते रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस कार्यक्रम में गिद्दा और भांगड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही और राष्ट्रीय गीत के साथ प्रोग्राम की समाप्ति की। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। जी आज जो है वो 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल हम करवा रहे हैं। 26 जनवरी को जैसे कि आपको पता, सबको पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो श्री कुलदीप सिंह धालीवाल जी आएंगे। बच्चों ने जो है वो काफ़ी अच्छी तैयारी की है। पुलिस का पहले मार्च पास्ट होगा, फिर बच्चों का प्रोग्राम होगा। आज उसकी फाइनल ड्रेस रिहर्सल है और आई वुड लाइक टू कमेंट ऑल द किड्स, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और गणतंत्र दिवस पे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे हमारे संविधान में इक्वालिटी का, सबको एक बराबर रखने का, यूनिटी का संदेश है, तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और गणतंत्र दिवस पे जब हम ये सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमें उन शहीदों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी शहादत की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, और हमें उन जवानों को भी नहीं भूलना चाहिए जो आर्म्ड फोर्सेस के जो है सरहद पे बैठे हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में बैठे हैं, बीट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो दिन रात हमें गार्ड कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो है अपने फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर पाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ शांति में रह पाते हैं। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि इन सबको याद करते हुए और यूनिटी और एकता के साथ ही हमें ये पर्व मनाना चाहिए। पंजाब में पिछले हफ्ते पारा 0 डिग्री तक रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी। मैदानी इलाकों में फसलों पर कोहरे की सफेद चादर बिछ चुकी थी। कोहरा लगातार 4 दिन पड़ा, जिससे कई फसलों को तो इसका फायदा हुआ, लेकिन आलू और मटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई किसानों का कहना था कि 70% तक की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं कई किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बात पंजाब के मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर की करें तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र धूरी में किसानों की आलू की फसल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं मटर की खेती करने वाले किसानों का भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। लहराकागा इलाके में एक किसान ने 4 एकड़ मटर की खेती की, जिसमें से 3 एकड़ पर ट्रैक्टर चला दिया और बाकी बचा 1 एकड़ भी कोहरे की मार के नीचे है, उसका भी बड़े स्तर पर नुकसान है। दूसरी तरफ बागवानी विभाग किसानों के हुए नुकसान का अनुमान लगा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। खेती में 10 एकड़ की करदा जी, 6-7 एकड़ घर देने जी, 4-5 एकड़ ठेके ते ने। मैं अपने घर वाले बाहन च जी सारा आलू लगाया, तो ऐतकी कोरे की मार नाल 70% इसका नुकसान होया। भगवंत मान साढ़े मुख्यमंत्री साहब ने धूरी तो उन्होंने अपील की जाती है कि सानू बनदा मुआवजा दिता जाए। आडे सामने ही है जी, बाकी देख लो, ये 70% खत्म है जी आलू। ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ? ਕਣਕ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, 2-3 ਏਕੜ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਖੇਤ ਆਉਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਕੋਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਲੇਬਰ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਹ DAP ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 4-4 ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਮੁੜੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ
ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ 3.5 ਏਕੜ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਵਾਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਏਕੜ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ DAP ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 20,000 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ 4,000 ਦਾ ਕਰੀਬ ਬੀਜ ਪਿਆ ਸੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਫਸਲ ਢੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਢੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮਟਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਲਡ ਬਣਨੀ ਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30-40% ਜਿਹੜਾ 35% ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲੂ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਚੋਰ ਹੋਣ ਲਈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 70-80 ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ 70-80% ਜਿਹੜੀ ਚੀਲਡ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕਸਟਮਰ ਕਨੈਕਟ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੇ MD ਅੰਕੁਰ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ ਕੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ ਚੈਨਲਸ ਔਰ ਬਿਜਨਸ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਅਨਿਆ ਸਕੀਮੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਸਹਿਤ ਅਨਿਆ ਸਦੱਸਿਆਗਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਰੂਤੀ ਜੈਸੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਕੀਆ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਚ ਮੇਂ। ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅ ਵਹੀਕਲ 4-wheeler ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਲੇਡੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਜੈਂਟਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹਮ ਲੋਕੋ ਨੇ, ਬਟ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਬਵ 50-72 ਤੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸੀਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਤੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਕੇਜਸ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿਤੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਤੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਿਰਫ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਹਮ ਲੋਗ ਆਪਕੋ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਹਮਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸਪੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸਪੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਕਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਲੱਚ, ਬ੍ਰੇਕ, ਰੇਸ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੈਸੇ ਔਰ ਕਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ ਮੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 4,500 ਰੁਪੀਜ਼। ਤੋ ਅਭੀ ਅਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ, ਮਾਰੂਤੀ ਗਿਵ ਦਿਸ ਪੈਕੇਜ ਜੋ 5,000 ਕਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ 3,500 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੇਂ ਫੋਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 18-30 ਈਅਰਸ। ਜੋ ਬੰਦਾ 18-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਪੈਕੇਜ 3,500 ਮੇਂ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਕੇਜ ਇਜ 22 ਡੇਜ਼ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਪਲੀਜ਼ ਮਰਵਾਹਾ ਆਟੋਜ਼ ਮੇਂ ਆਓ, ਹਮਾਰਾ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਤੋ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੇਂ ਕਿਤਨੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈਂ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ 376, 200, 176, 300. ਐਨੀ ਰੈਂਡਮ ਐਨੀਬਡੀ ਫਰੋਮ ਸਟਾਫ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਸ, ਯਾਰ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਂ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਨਾ ਕੱਟਨੇ ਹੈਂ। ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ 376, ਸੈਕਿੰਡ 200, ਥਰਡ 176, ਫੋਰਥ 300। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ
कुछ कस्टमर जिहड़े भी मारुति अपना कोई भी कार किसी ब्रांड की कार यूज़ करते हैं वो सेल करनी चाहते हैं जो कोई भी कार खरीदनी चाहते हैं तो वो मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू कस्टमर को पूरा सहयोग करती है। किसी भी तरह की कार कोई भी कार कस्टमर चाहे बेचनी चाहता है चाहे खरीदनी चाहता है मारुति ट्रू वैल्यू चैनल प्रोवाइड की जाती है। ये कस्टमरस न एक ज सब तो व्डा बेनीफिट मारुति ट्रू वैल्यू में जुड़न का की होंगे कि पेपर फॉरमैलिटी मारुति सुजुकी बहुत ही स्ट्रोंग रही है। कस्टमर की कोई कार लेंदी है तो उन्होंने बेचने तो बाद प्रोपर वो आर सी ट्रांसफर कराई जाती है उन्होंने प्रोपर पेपर फॉरमैलिटी कंप्लीट की जाती है। भी कभी भी कस्टमर कोई कार देती तो निश्चिंत होकर बैठ जाता कि हाँ मैं कार ट्रू वैल्यू सेफ हैंड्स भी दे के आया कि कल न मेरी कार कितने भी जाएगी सेफ हैंड्स भी जाएगी मेरे जी लाइबिलिटी कार तो खत्म हो जाएगी जिन्होंने भी कार बेची जाएगी वो ना जो ट्रांसफर होने तो बाद उस बंद की लाइबिलिटी शुरू हो जाती है। और इस तरह जो मार्केट में बंदा कार बेचता है तो 90% काफ़ी इदा के केसिज साढ़े को भी सामने आते हैं और लोगों भी पता है कि किस तरह होंगे कि कोई कार ट्रांसफर हुई नहीं कई बार किसी गलत आंसर के हथ लग जाती कार वह मिसयूज हो जाता है जिदा भी कई बार जिस बंद का कोई कसूर भी नहीं होंगे उन्होंने भी काफ़ी कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पैंते हैं। तो ये मारुति ने इसे एक परपज़ लिए एक चैनल शुरू किया कि कस्टमर न किस तरह भी इन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनिया पैदा लोगों को उन्होंने तो निजात मिल सके। हूँ जो कोई कस्टमर मारुति सुजुकी कार अपनी दे जाता ट्रू वैल्यू तो वह कार एक सेफ हैंड्स भी चल जाती कल कस्टमर इन फ्यूचर इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। मोरिंडा शहर के वार्ड नंबर 2 में इलाका विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह की ओर से विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद अमृतपाल सिंह खट्टड़ा ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से उनके वार्ड के विकास कार्य रुके हुए थे जिनका आगाज किया गया है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर चरणजीत सिंह ने कहा कि वे अपने शहर में सभी विकास कार्यों को पहल के आधार पर करवाएंगे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी सारे, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज साडे वार्ड नंबर 2 च अमृत खट्टड़ा जी MC ने इत्थों तो इतने अज जिहड़ा हैगा रेन वाटर ड्रेन का काम शुरू कर रहे हैं। तो तुसी देखिया कि जिन्हें भी अज तक काम जिहड़े मोरिंडे च नहीं होए सी वो सारे काम जिहड़े हैगे बहुत वधिया प्रगति ते चल रहे ने। तो चाहे मोरिंडे च कैमरे लगाने की गल हो चाहे वधिया लाइटा हुण जिहड़ी अंडरग्राउंड वायरिंग वाली लग रही हैं तो होर भी जिन्हें भी रुके हुए काम नालियां दे ते गलियां दे ये सारे ही कंप्लीट कर रहे हैं। और मैनू आस है कि बहुत जल्द जड़ा एक सीवरेज का जड़ा 30 साल तो काम नहीं सी होया वो भी असी 60% जड़ा मोरिंडेज हो चुके 60-70% तो जड़ा बाकी है वह भी 4-5 महीने 6 महीने के अंदर जड़ा है वह भी काम जड़ा पूरा नेपड़े चढ़ जाएगा। वार्ड वासियों को MLA साहब का धन्यवाद करता डॉक्टर चरणजीत सिंह जिन्होंने अज चिर तो लटकते आ रहे साडे काम जिहड़े कि किसी पक्षपात के आधार पर रोके हुए थे अज वो शुरू कराते इन्होंने क्योंकि उरे गलियां बन गई सी नालियां का कोई नामो निशान भी नहीं सी लोगों के प्लाटा च पानी जाते सी बीमारियां कदे स्प्रे करवानी कदे टैंकर नाल पानी कढ़ाना बड़े मतलब बड़ी समस्या सी उरे वार्डियां नूं। हुण डॉक्टर साहब ने उरे पाइपां पवा के सीवर का काम शुरू कराया म्यूनसिपल फंडा के जिहड़ा कि असीं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और साडे सारे वार्ड वासियों से गल की बड़ी खुशी है। पंजाब में ठंड के दौरान मौसम विभाग की ओर से बारिश की भविष्यवाणी की गई है जिसके चलते पंजाब के अलग अलग इलाकों में 24, 25 और 28 तारीख को बारिश की संभावना जताई गई है जिसके बाद नाभा क्षेत्र में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तो वहीं किसानों का कहना है कि यह सर्दी की पहली बारिश है और यह बारिश फसलों के लिए देसी घी का काम करेगी क्योंकि अब तक जो लगातार ठंड पड़ रही थी उससे भी अब राहत मिलेगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जी ये तो बहुत मीह नाल उड़ीक रहे सी किसान बहुत ही लाहेवंद है जी ये जिहड़ी कणकां नूं जो होर भी फसलां ने नहीं सुक्की ठंड कारण फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। बारिश नाल अमृत का काम कर रही है इतना बहुत लाहेवंद है फसल कणक जी जो भी सरों रहे निश्चरिया नहीं और सारिया फसलों वास्ते तकरीबन ये लाहेवंद है जी। पानी का भी हाँ तकरीबन सियाल से जी एक बारिश होगी मोटर बंद रहनगियां बहुत बचत होगी पानी की
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਠੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੰਡ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਜੀ। ਠੰਡ ਕੁਛ ਕੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਹ। अंडमान और निकोबार के द्वीप अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। इन्हीं में से एक परमवीर चक्र विजेता शहीद गुरबचन सिंह सलारिया है, जो पठानकोट के गाँव जंगला के रहने वाले थे। इस दौरान शहीद के पारिवारिक सदस्यों ने भारत सरकार के इस कदम को एक सराहनीय कदम बताया। इसी के तहत शहीद परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा शहीद गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर बने स्कूल में शहीद के परिवार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर परिवार द्वारा भारत सरकार का धन्यवाद भी किया गया। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, उन्होंने अच्छा किया, मेरे बेटा और बहू दोनों गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इन्नी देर बाद किसी ने तो कुछ किया उनके नाँ का, क्योंकि और सानू तो उनके नाँ का कुछ नहीं चाहिए, पैसा जमीन कुछ नहीं चाहिए, साढ़े को सब कुछ है, सिर्फ उनके नाँ ही रहना चाहिए। अमर रहे वो साढ़े परिवार सारा उन्होंने अच्छी तरह याद करे, मैं यही जाना कहना चाहनी हूँ। अज जो इतिहासिक फैसला लिया साढ़े माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, असी पूरी अपनी राजपूत कम्यूनिटी और भारत दे सारे वासियों की तरफों असी बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री दे इस इनिशिएटिव फैसले का, और ये जिहड़े कौमी नायक देश दे हीरो और साड़ी पूरी कौम की एक गौरवमयी इतिहास है साढ़े लिए जिहड़ा रहिंदी दुनिया तक ये याद रखांगे, और इस तरह इन्हों असी इन्हों मार्गदर्शक जो भी इन्होंने सानू दिता उस चलांगे। परमवीर चक्र विजेता जो भारत के सीगे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, सानू फखर हैगा और असी हमेशा यही कहांगे कि इन्हों मार्गदर्शक ते चलो, इस तरह रहिंदी दुनिया तक उन्हों का नाम लिया जाएगा और इस तरह शहीदों की स्मारक ते मेले लगते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिहड़ा उन्होंने ये एक इतिहासिक फैसला लिया। असी भारत सरकार दे बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने एडा वड्डा इतिहासिक फैसला लैके कल अंडमान निकोबार 21 दीप समूह के नाँ परमवीर चक्र विजेताओं के नाँ से रख्या गया। अभी प्रधानमंत्री उन्होंने पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हाँ जिन्होंने एडा वड्डा इतिहासिक फैसला लैके इन अमर शहीदों के नाँ अमर कर दिता, देश का नाँ गर्व दे नाल उच्चा कर दिता। भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही इतिहासिक फैसला लिया गया, हमारे देश के अंडमान व निकोबार जिसे एक गुलामी का प्रतीक पहले माना जाता था उसके इतिहास के बारे में आप सभी जानू हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी टीम ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कल किया, जो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप थे उनका नाम जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हुए हैं 21, भारतवर्ष में पूरे 21 हमारे वो शूरवीर हैं जिन्होंने अपनी वीरता के जोहर दिखाते हुए परमवीर चक्र प्राप्त किया। और कल वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम हुआ, देश के गृह मंत्री ने वहाँ पे आके उन परिवारों का सम्मान किया जिन परिवारों ने अपने घरों के चिराग उस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए और मरणोपरांत जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। इसके अलावा हमारे वो 3 जिंदा हमारे वीर योद्धा अपने सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार और कैप्टन बाना सिंह, उन्हें भी वहाँ पे सम्मानित किया गया। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। आज 62 साल हो गए शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को इस देश की बलि वेदी पर कुर्बान हुए, और विदेशी धरती पर
तिरंगा फहराते हुए अपना बलिदान दे दिया और देश के पहले परमवीर चक्रा जिन्होंने विदेशी धरती पर अपना बलिदान दिया, आज उन्हीं की याद में बने स्कूल पे में हमने ये कार्यक्रम किया, उनके परिवार को ऑनर किया है। सभी ने मिलकर बच्चों ने स्कूल स्टाफ ने यहाँ पे इस अमर वीर को अपने सच्ची श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का किया दौरा, इन्वेस्ट पंजाब समिट के तहत उद्योग स्थापित करने का दिया न्योता। चंडीगढ़ की जिला अदालत में बम की आशंका से मचा हड़कंप, पुलिस ने खाली करवाया परिसर। संगरूर के एक निजी बैंक में लाखों रुपयों की लूट के मामले को पुलिस ने किया हल, चार लोगों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।